टेक्नो ने अपना लेटेस्ट इनोवेशन स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम अल्टीमेट 2 बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। ये वाले स्मार्टफोन बेसिकली एक ट्रिपल फोल्डिंग स्मार्टफोन है जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस देने के लिए बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। हालांकि ये वाला स्मार्टफोन एक कॉन्सेप्ट डिवाइस के थ्रू लॉन्च किया है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी ये वाला स्मार्टफोन ऑपरेशनल भी हो सकता है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के बारे में अगर थोड़े से गौर किए जाएं तो वाला स्मार्टफोन एक अल्ट्रा थिन डिवाइस है जो कि हमारे एक्सपीरियंस बेस को यूज के हिसाब से जो कंटेंट कंजम्पशन हो उसको थोड़ा सा चेंज के लिए इस वाले स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली 3-fold स्मार्टफोन जो डे टू डे लाइफ में टास्क को बेसिक तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर उसको एक्सपीरियंस के लिए इस वाले स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन में एक बेसिक चीज का जरूर ध्यान रखा गया, वो है इस वाले स्मार्टफोन के डिजाइन लैंग्वेज को लेकर, उसमें काफ़ी ज़्यादा तक गौर किया गया है टेक्नो की तरफ से। वैसे अगर टेक्नो के बारे में अगर बात की जाए तो इसके 2 foldable स्मार्टफोन ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें foldable फोन वी और foldable फोन V2 करके ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे। तो बेसिकली ये टेक्नो की तरफ से लॉन्च होने वाला एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम अल्टीमेट वी है, अल्टीमेट 2 है। फैंटम अल्टीमेट 2 एक ऐसा 3-fold डिवाइस है जो कि एक स्टैंडर्ड फोन साइज को एक टैबलेट फॉर्म में एक्सचेंज कर देता है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को लेके थोड़ा सा अगर गौर किया जाए या फिर इसके फॉर्म फैक्टर को गौर किया जाए तो टेक्नो की तरफ से इस वाले स्मार्टफोन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए ताकि इस वाले स्मार्टफोन को एक बेहतर इनोवेटिव प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया जा सके। हालांकि ये वाला स्मार्टफोन अभी कॉन्सेप्ट है तो पॉसिबली आने वाले 1 या 2 साल में इस वाले स्मार्टफोन के फॉर्म फैक्टर के बारे में कुछ चेंजेस के साथ ये डेफिनेटली एक ऑपरेशनल मार्केट में भी स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। इस वाले फोन के बारे में थोड़े से और गौर की जाए तो बेसिकली ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो दुगना हो जाएगा। यानी आप छोटे से डिवाइस में से लेकर बड़े से डिवाइस तक कंटेंट कंजप्शन का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन फोल्ड होने पर इस वाले स्मार्टफोन की जो मोटाई है वो बेसिकली 11 mm तक हो जाती है। यानी एक अल्ट्रा थिन फोल्डेबल स्मार्टफोन है जो कि टेक्नो की तरफ से कॉन्सेप्ट फोन के रूप में लॉन्च किया गया है। साथ ही में वाला स्मार्टफोन एक वर्ल्ड का अल्ट्रा थिन फोल्डेबल स्मार्टफोन बन जाता है। अगर सैमसंग के गैलेक्सी जी फोल्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो ये उससे भी पतला स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। अब पॉसिबली ये होगा कि आखिर में ये जब मार्केट पे आएगा यानी सब लोगों के हाथ में जाएगा तो कितना ज़्यादा सक्सेस होगा वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेकिन अगर अभी हाल में बात किया जाए तो वर्ल्ड का फर्स्ट स्लिमेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन टेक्नो की तरफ से लॉन्च किया जा चुका है। टेक्नो ने एक इनोवेटिव हैंड सिस्टम के जरिए इस डिज़ाइन को अचीव किया है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन को पतला बनाने के साथ साथ एक चीज़ पे और फोकस किया गया है कि इसका जो हिंज सिस्टम हो वो बेसिकली हो एक हार्ड यूज़ को भी झेल सके। यानी कि ये कहा जाए कि ये वाले स्मार्टफोन पतला ज़रूर हो यानी स्लिमेस्ट स्मार्टफोन ज़रूर, इसके साथ साथ ये हार्डनेस को भी बेसिकली पूरी तरह से मैनेज कर 2100 mPa मजबूत रेटिंग के साथ ये लगभग 3 लाख से ज़्यादा फोल्ड को झेल सकता है। इतना ज़्यादा इस वाले स्मार्टफोन को टेस्ट किया गया है। स्लिमेट्स के साथ साथ इसके अंदर कंपोनेंट्स यानी हिंज मैकेनिज्म सिस्टम को भी बहुत ही बारीकी तरह से ध्यान में रखा गया है ताकि इस वाले स्मार्टफोन को एक बेहतर वर्ल्ड स्लिमेस्ट स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया जा सके। हालांकि 3 लाख से ज़्यादा बार फोल्ड को ये झेल सकता है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन लंबा मजबूत टिकाऊ हो सकता है। हालांकि स्लिम के साथ साथ टिकाऊपन का ये समावेश इस वाले स्मार्टफोन को यानी टेक्नो फैंटम अल्टीमेट 2 फोल्डेबल स्मार्टफोन को अदर फोल्डेबल स्मार्टफोन से थोड़ा सा अलग निकाल के रखता है। तो बेसिकली यही कहा जाए मोटा मोटा कि हाँ ये वाला स्मार्टफोन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डाइटिंग के बाद अपने आप को इस पोजीशन पे ले पाया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट फ़ोन है, जब ये मार्केट पे आएगा, जब ये लॉन्च होगा और ये सबके हाथों में जाएगा तब पता नहीं क्या होगा। देखना होगा कि आखिर ये कैसा परफॉर्म करता है या आखिर जो इनोवेशन है इसकी हिंज सिस्टम का जो मैकेनिज्म इनोवेशन है वो आखिर कितना कारगर होगा रियल लाइफ में, ये थोड़ा सा देखना एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होगा। फैंटम अल्टीमेट 2 की मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो वो है इसका अल्ट्रा थिन डिज़ाइन। टेक्नो ने इस वाले फ़ोन के बैटरी कवर के लिए टाइटन एडवांस फाइबर मटेरियल का यूज़ किया गया है, जिससे यह सिर्फ 0.25 mm
मोटा है जो इंडस्ट्री में सबसे पतला है। ये वाला मटेरियल बेसिकली मजबूत और हल्का है, जिससे इस वाले स्मार्टफोन के बैक बैटरी के बैक कवर को डिजाइन किया गया है। ये बेसिकली प्रोडक्ट फोन के टिकाऊपन से बिना समझौता किए हुए इस वाले स्मार्टफोन को स्लिमेस्ट और हल्का बनाता है। तो पॉसिबल ये है ना कि जैसे मैंने पहले ही कहा, इस वाले स्मार्टफोन को स्लिम बनाने के पीछे बेस्ट टेक्नो की तरफ से बेस्ट इंजीनियर का कमाल देखने को मिला है, जो कि इस वाले स्मार्टफोन को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इनोवेटिव चीजों के बारे में हमें पता चल रहा है। हालांकि इस वाले डिवाइस को हल्का रखने के लिए कैमरे का भी योगदान बहुत ही बखूबी तरीके से किया गया। टेक्नो की तरफ से जो इंजीनियर से इसके कैमरा को इस हिसाब से फिट किया ताकि वाले स्मार्टफोन ज्यादा भारी भी ना हो और इसके जो इमेज कैप्चरिंग है या फिर इसके इमेज कैप्चरिंग जो परफॉर्मेंस है उसको भी बिना छेड़े हुए ये वाले स्मार्टफोन के कैमरे को डिजाइन किया गया। हालांकि ये स्मार्टफोन में कैमरे हल्के होने के साथ साथ इस वाले फोन के कैमरे से हाई क्वालिटी इमेजेस को भी कैप्चर कर सकता है। हालांकि मेगापिक्सल के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ना भी इस वाले स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में पता चला, लेकिन हाँ टेक्नो की तरफ से इतना जरूर डिफाइन किया गया कि इसमें बेस्ट कैमरा सिस्टम का भी यूज किया गया है ताकि इस वाले स्मार्टफोन में ज्यादातर भारी ना हो और साथ ही में कैमरा भी हाई क्वालिटी इमेजेस को डिलीवर कर सके। तो इसलिए टेक्नो की तरफ से अल्टीमेट फैंटम अल्टीमेट 2 के काफी सारे चीजें निकल के सामने हैं, क्योंकि बेसिकली सबसे पहला इसका प्लस पॉइंट है वो है इसका 3-fold स्मार्टफोन। पूरी तरह से खुलने पर फैंटम अल्टीमेट 2 बेसिकली 4.3 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 10 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जो कि एक इमर्सिव व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करता है। हालांकि डिस्प्ले के बारे में अगर बात की जाए एग्जैक्टली ये जरूर डिफाइन हो रहा है कि इसमें एक बेस्ट क्वालिटी के डिस्प्ले यूज की है, जिसका व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको काफी अल्टीमेट देखने को मिलेगा। हालांकि इस वाले इस डिवाइस में एक OLED टच डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेशन TDDI टेक्निक का यूज किया गया है, जो कि फोल्डेबल स्मार्टफोन में पहली बार। हालांकि यह टेक्निक सुनिश्चित करती है कि स्क्रीन स्पर्श के प्रति संवेदनशील हो, जीवंत रंग और गहरे काले रंग भी प्रोवाइड करे, यानी कि इसके पिक्सल्स क्वालिटी को भी थोड़ा सा गौर किया गया। हालांकि पिक्सल पर इंच के बारे में अगर बात किया जाए तो 321 पर पिक्सल पर इंच का पर इंच की डिस्प्ले रेजोल्यूशन में एक 3K LTPO वाली डिस्प्ले यूज की गई है। यह डिस्प्ले बेसिकली शार्प है और इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो काफी हाई क्वालिटी का है। अब इस वाले स्मार्टफोन चाहे आपको गेम खेलना हो या कंटेंट कंजप्शन करना हो या वीडियो करना हो, सारी उन चीजों पे इस वाले डिस्प्ले में आपको बेहतर एक्सपीरियंस का मौका देखने को मिलेगा। फोल्डेबल डिवाइस के टिकाऊपन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो क्वेश्चंस होता है वो है इसके हिंज और दूसरा है इसके डिस्प्ले में बनने वाली क्रीज को लेकर। हालांकि वाले स्मार्टफोन बेसिकली एक 3-fold स्मार्टफोन है, तो इस चीज का काफी ज्यादा इसमें ध्यान रखा गया है कि लॉन्ग टाइम यूजर्स के बाद इसमें जो क्रीज की समस्या वो बेसिकली हमें देखने को ना मिले, इसलिए वर्ल्ड से फर्स्ट पहली बार इस डिस्प्ले टेक्निक का यूज किया गया ताकि जो क्रीज वाली समस्या है वो बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को ना मिले और यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो भी हार्म ना हो, इस चीज को काफी जोर देके ध्यान रखा गया है। हिंज बेसिकली इसका 3 लाख से ज्यादा बार फोल्ड को झेल सकता है और साथ के साथ स्मूथ क्रीज को बनाए रखने के लिए भी ये थोड़ा सा सुनिश्चित किया गया है कि ताकि यूजर का एक्सपीरियंस हार्म ना हो। ये चीज मैंने पहले ही कही थी, काफी ज्यादा चीजों को मैनेज करके तब जाके इस वाले स्मार्टफोन को कॉन्सेप्ट फोन के रूप में लॉन्च किया गया है। फैंटम अल्टीमेट 2 को बेसिकली इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि इसका जो यूज हो वो मल्टीपल तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे इस वाले स्मार्टफोन को 2-fold कर लो या फिर 3-fold कर लो, जहां तक इस वाले स्मार्टफोन को आप लैपटॉप फॉर्म के साथ भी यूज कर सकते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि आप इसमें अगर मीटिंग करना चाहो तो उस फॉर्म के साथ भी इस वाले स्मार्टफोन को फोल्ड कर सकते हैं। इस वाले स्मार्टफोन को बेसिकली लैपटॉप फॉर्म में यूज कर सकते, जिसमें आपको सीधी स्क्रीन के साथ साथ नीचे की स्क्रीन में आपको कीबोर्ड का भी एक्सपीरियंस देखने को मिला। उस हिसाब से इसके सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन किया गया ताकि जो फोल्ड हो वो मल्टीपल तरीके से और मल्टीपल यूजर्स के साथ इस स्मार्टफोन को यूज किया जा सके। इसीलिए कहा गया ना टेक्नो की तरफ से अल्टीमेट फैंटम 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, जो कि एक मल्टीपर्पज स्मार्टफोन है जिसमें आपका एक्सपीरियंस काफी खतरनाक देखने को मिल सकता है। इस वाले स्मार्टफोन में बेसिकली एक और इनोवेटिव फीचर है जो है टेंट मोड, जहां डिवाइस टेंट की तरह अपने किनारों पर खड़ी होती है या डुअल स्क्रीन फेस टू फेस AI ट्रांसलेशन को सक्षम बनाता है, जो कि अलग अलग लैंग्वेज को बोलने में और लोगों के साथ बातचीत करने में एकदम सटीक से डिवाइस को वास्तविक समय में बोले गए वर्ड्स का एक ट्रांसलेट करना भी सक्षम है। तो मतलब AI के बारे में भी थोड़ा सा
गौर किया गया कि आखिर इसके साथ एग्जैक्टली क्या नया एक्सपीरियंस किया जा सकता है। टेक्नो फैंटम अल्टीमेट 2 बेसिकली मल्टीटास्किंग में भी महारत हासिल की। इसमें का मल्टी विंडो मोड आपको एक साथ कई ऐप यूज करने की अनुमति देता है, चाहे वेब ब्राउज करना हो, या फिर लोगों के साथ चैट करना हो, या फिर वीडियो देखना हो। बड़ी स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन इंटरफेस को भी मैनेज कर सकता है, बेसिकली इस हिसाब से डिजाइन किया। हाल ही टेक्नो ने इस वाले स्मार्टफोन के यूआई को लेकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें आपका एक्सपीरियंस हार्म भी ना हो और चीजों को आपको सक्षम या फिर इस हिसाब से यूजफुल बनाने के लिए भी इसका यूजर इंटरफेस को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस वाले स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस बेसिकली ट्राई फोल्ड के हिसाब से डिजाइन किया, साथ ही में जिस फोल्ड पे इसका डायनेमिक वॉलपेपर चेंज होना, यानी फोन को जैसे आप टिल्ट करो या फिर मिड फोल्ड करो या फिर पूरा फोल्ड करो, उस हिसाब से इसका वॉलपेपर चेंज होना भी थोड़ा सा इनोवेटिव करता है इस वाले स्मार्टफोन को। यूआई को लेके एग्जैक्टली एक्सपीरियंस काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। हालांकि टेक्नो ने अभी तक फैंटम अल्टीमेट 2 के लॉन्च डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, ये टेक्नो की तरफ से कॉन्सेप्ट फोन को लॉन्च किया गया, जो कि ये दिखा रहा है कि फोल्डेबल स्मार्टफोन के मार्केट में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए काफी है। हालांकि Xiaomi, Huawei, कुछ अदर ऐसे ब्रांड है जो कि इस तरह के फोल्डेबल स्मार्टफोन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल अभी कोई शोकेस नहीं किया। अगर आपको याद हो तो Huawei ने भी ऐसा एक सिमिलर एक रोलेबल फोल्डेबल स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया था MWC में, तो वहां से इस वाले स्मार्टफोन को काफी ज्यादा बैकलैश भी देखने को मिला था, क्योंकि कुछ चीजें इसकी नहीं थी। लेकिन रही बात स्लिमेस्ट की, तो हाँ, ये मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि टेक्नो ने वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन का जो टैग है वो बेसिकली हासिल किया। अब ये देखना होगा कि सैमसंग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आएगी फोल्डेबल फोन के बारे में, क्योंकि अभी तक जो मार्केट शेयर है वो बेसिकली सैमसंग का सबसे ज्यादा फोल्डेबल स्मार्टफोन की मार्केट को लेके। हालांकि टेक्नो के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके ऑलरेडी 2 फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हुए हैं, जो काफी अच्छे सक्सेस फोन भी रह चुके हैं। लेकिन हाँ, कॉस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो हाँ, मिडिल क्लास से थोड़ा सा ये बेसिकली दूर है, जेब से दूर है। तो पॉसिबल ये है कि आने वाले वक्त में फोल्डेबल स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो थोड़ा सा अगर बड़ा होगा तो शायद पॉसिबली हमें कॉस्ट की कटिंग भी देखने को मिले। अब एग्जैक्टली ये देखना होगा कि टेक्नो इस वाले स्मार्टफोन को कब इंट्रोड्यूस करता है आखिर पब्लिक के लिए, पब्लिक यूजर्स के लिए, ये थोड़ा सा भी क्वेश्चन है। बाकी आप लोग के क्या विचार है इस अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मन की बात लिख कर जरूर बता देना। और सैमसंग भी एक स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग है, उसकी वीडियो यहाँ बात की है, तो एक बार जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब से बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं, बाय बाय, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।